So it looks like it's finally the end for the Rafale saga, at least when it comes to the courts. The Supreme Court today dismissed the review petitions which had been filed by Yashwant Sinha, Arun Shori, Prashant Bhushan and other people who originally filed their petitions challenging aspects of the Rafale deal. I think we have been vindicated, and in December 2018, I had made a statement that Supreme Court has given a very fine judgment. At that time, a lot of people told me, commented that it's political and things like that, which is totally incorrect. We, on the merits of the case, we had said it is a very fine judgment, and I think that has been vindicated. I hope the matter is now laid to rest. And as far as, raking up such issues for trying to get political gains and in the interest, putting the interest of your armed forces behind, I think that is not correct. मैं समझता हूं कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस से जुड़े हुए मामलों का किसी भी सूरत में राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए लेकिन विडंबना यह रही है कि कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर निहित राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई और केवल राजनीतिकरण ही करने की कोशिश नहीं की गई बल्कि प्रधानमंत्री कोई भी प्रधानमंत्री हो किसी भी दल से संबंधित प्रधानमंत्री क्यों न हो वह व्यक्ति नहीं होता है स्वयं संस्था होता है तो इस संस्था को भी बदनाम करने की भरपूर कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की गई है और मैं कहना चाहता हूं विशेष रूप से कांग्रेस के लोगों के द्वारा की गई है कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है मैं समझता हूं कि फैसला आ चुका है सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं और जिन लोगों ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की है अथवा प्रधानमंत्री के संबंध में सार्वजनिक रूप से एक बार नहीं सैकड़ों बार अपशब्दों का प्रयोग किया है उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए अथवा देश की यह जनता उन्हें किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी टुडेज डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टिंग द रिव्यू ऑफ द राफेल डिसीजन इज द विक्ट्री ऑफ ट्रुथ इज द विक्ट्री ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड इज ए रिकॉग्निशन ऑफ द ऑनेस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट I would discuss in detail subsequently, but let me formally make a clear demand that Congress party must apologize to the country and Rahul Gandhi in particular must apologize to the country. People having a saga of corruption from Jeep scandal to Bofors to submarine to Augusta Westland where undertaking a political sponsored program masquerading as the quest for justice. Rafale केस में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज ये साबित करता है कि Rafale के भ्रष्टाचार की आपराधिक जांच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने आज खोल दिया है आदरणीय भाजपा सरकार के साथियों आज जश्न के ढोल बजाने का दिन नहीं संजीदगी से जांच स्वीकार करने का दिन है अब बताइए कि जांच से अपने आकाओं को बचाएंगे कैसे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ उनकी संवैधानिक मर्यादाओं और अधिकारों की वजह से बंधे हो सकते हैं पर किसी निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा की जाने वाली जांच के हाथ बंधे नहीं हैं वो हो सकती है और आज देश के उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फिर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड्स हमारी जो दलील उस पर भी मोहर लगा दी कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान के आर्टिकल 32 में सीमित अधिकार हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट Rafale मामले की जांच नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट
कॉन्ट्रैक्चुअल करप्शन, कॉन्ट्रैक्चुअल भ्रष्टाचार, खरीद के रेट की हेराफेरी, स्पेसिफिकेशंस की ऑल्टरेशन, क्रोनिक कैपिटलिज्म और डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की उल्लंघना की जांच करने के लिए आर्टिकल 32 में उनके अधिकार क्षेत्र से ये मामला बाहर है। ये पहले दिन से हमारा स्टैंड रहा है और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। श्री राहुल गांधी के कंटेंप्ट के विषय में ये बात स्पष्ट है जो हमने हलफनामे में भी कही थी कि राजनीतिक अभियान के गर्मा गर्मी के दौरान कुछ ऐसे शब्द और वक्तव्य निकल आते हैं जिनका उद्देश्य, जिनका इंटेंशन किसी रूप से न्यायालय या न्यायपालिका की अवमानना करना नहीं है। और मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारे एफिडेविट, विशेष रूप से दूसरा एफिडेविट को नोट करते हुए कोर्ट ने श्री राहुल गांधी को कंटेम्प्ट से, अवमानना से डिस्चार्ज किया है। मैं ये जानता हूं कि कोर्ट ने कहा है कि वो पहले गर्मा गर्मी में राजनीतिक अभियान के दौरान कहा वा वक्तव्य होना ही नहीं चाहिए था और इसलिए हमने हलफनामे में नतमस्तक थे और हमने माफ़ी मांगी थी, क्योंकि कोई रूप से इरादा नहीं था उनका। उनका इरादा निश्चित रूप से था कि एक राजनीतिक वक्तव्य करें, उनका इरादा निश्चित रूप से था कि प्रधानमंत्री और सरकार के विरुद्ध बोलें, लेकिन किसी रूप से न्यायपालिका की तरफ नहीं था। और वो बात अंततोगत्वा जब डिस्चार्ज किया है कंटेंट पे मानी गई है।